फायर एंड इमरजेंसी विभाग में नौकरी के लिए आवेदन करने वाले एस्पिरेंट्स ने आज अपनी मांगों को लेकर प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन किया और कहा कि जो लिस्ट सरकार ने जारी की है उस पर पुनर्विचार किया जाए ताकि उनके भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ ना हो। उन्होंने कहा कि वो अपनी मांगों को लेकर लगातार प्रदर्शन करते आ रहे हैं मगर प्रशासन उनकी मांग पूरी नहीं कर रहा है। नाम रोहित शर्मा, मैं डिस्ट्रिक्ट सांबा से, सांबा से एक फायर एंड एमरजेंसी डिपार्टमेंट का एस्पिरेंट हूँ। सर हमने 2013 में फॉर्म लगाए थे, तो सर अभी 2013 में जैसे फॉर्म लगाए थे अभी 2022 चल रहा है। सर हमने दो बार, मतलब कि दो बार इसमें हमारा फिजिकल भी हुआ, रिटर्न भी हुआ और हम सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं। हमने दो बार रिटर्न दे चुके हैं सर। इसमें बड़ा फ्रॉड हुआ है। तो सर अभी इन्होंने रिसेंटली 2020 में हमारी रिक्रूटमेंट फिर से की थी, तो उन्होंने एक लिस्ट फ्रेम की थी, लिस्ट निकाली सर। उस लिस्ट में पूरी धांधली से भरा हुआ था। एक एट पास बच्चा स्टूडेंट है जो 100 में से 100 स्कोर किए हुए हैं। तो सर ये कैसे पॉसिबल है आजकल के टाइम पे? कम्पिटिटिव एग्जाम पे 100 में से 100 एग्ज़ाम लाना इम्पॉसिबल है सर। तो सर हमने फिर उन्होंने एक बार फिर से इन्हें रिवाइज की निकाली, जिसमें से इन्होंने 100 में से 96 मार्क्स किए। तो सर ये एक बहुत बड़ा फ्रॉड है। एक जो ग्रेजुएशन या पीएचडी लड़का है वो अगर 64 या 65 नंबर ले रहा है और एक एट पास बच्चा 100 में से 96, मतलब 100 में से 100 नंबर लिए और रिवाइज की में उसने 96 नंबर, उसके रिवाइज की में 96 नंबर हुए। तो सर हम 2013 से लेकर 2022 तक सफ़र करे, हमारे लगातार 12-13 साल हो गया सफ़र करते हुए। हमने गवर्नमेंट से कितनी बार गुहार भी लगाई, उनको बार बार बोला, मतलब जगह जगह बार प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं। तो सर हिम्मत हार के हमने कोर्ट केस भी किया, कोर्ट से भी हमें कोई उसका कोई फैसला नहीं हुआ कोर्ट केस से भी। तो सर हम अभी गवर्नर साहब से यही अपील करना चाहते हैं कि हम बार बार प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लड़के बार बार रोड पे आ रहे हैं। अभी कश्मीर में रिसेंटली आज हमारा कश्मीर में भी प्रोटेस्ट है, थोड़ा जम्मू में भी आज हमने प्रोटेस्ट रखा हुआ है। हम बार बार गवर्नर साहब से यही अपील कर रहे हैं सर कि हमें 2013 से लेकर 2022 तक जो हमने सफ़र करवाया है, हमारी जो ज़िंदगी बर्बाद हो गई है सर। लड़के बेचारे ओवर एज हो चुके हैं, कोई रियासी से आ रहा है, कोई डोडा से आ रहा है, किश्तवाड़ से आ रहा है, हमारे पास पैसे भी नहीं। हम बड़ी मुश्किल से इकट्ठे कंट्रीब्यूट करके रोज़ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, रोडों पर आ रहे हैं सर। तो गवर्नर साहब से हम बार बार यही अपील कर रहे हैं सर, इस लिस्ट को खुद देखें, आप खुद इसको अपने संज्ञान में लाए, लिस्ट में देखें कि कितनी धांधली हो चुकी है। तो हम बार बार इनसे यही अपील कर रहे हैं सर, प्लीज़ इसको, इस लिस्ट को खुद देखें, खुद चेक करें कि इसमें कितनी धांधली हुई है। क्योंकि अभी रिसेंटली पता चला है कि डिपार्टमेंट के पास अभी पोस्टें 1500-2000 पोस्टें आई हैं। तो सर हम गवर्नर साहब से यही अपील करना चाहते हैं कि अब जो 1500 या 2000 पोस्टें हमें उसमें इन्वॉल्व किया जाए, जितने भी लड़के हैं जो जिनकी अभी ओवर एज हो चुकी है, जिन भी लड़के हैं, जितने भी लड़के हैं उस टाइम थोड़े लड़के 2012 से लेकर 2022 तक इन पेंडिंग वैकेंसी जो बची हुई हैं इनके पास 1500-2000, तो गवर्नर साहब से यही अपील करना चाहते हैं इन सब में इनको सिलेक्टेड किया जाए और हमारे साथ दायर की जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, जेल के मीडिया, जम्मू। For more updates, do subscribe our YouTube channel and don't forget to hit the bell notification icon. And if you are watching this video on Facebook, do follow our Facebook page.